ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। झारखंड राज्य में CPIM चुनावी नहीं लड़ रही, वहां पर CPIML चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और यहां पे लिखा हुआ है CPIM को 2 से 3 सीट। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों। उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और BJP को दिया जा रहा है 6 सीट। तमिलनाडु में 34% ±3% BJP का वोट से है। हरियाणा मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और NDA को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यह है राजस्थान, कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया। बिहार में LJP वो लड़ रही है 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का 7% वोट शेयर बढ़ाया गया और BJP का NDA गठबंधन का 4% वोट घटाया गया और बहुजन समाज पार्टी को 14% वोट शेयर दिखाया गया। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, NDA गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। BJP को NDA को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, एक ने BJP को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी और जब नतीजे आए तो BJP 2004 में वास्तव में तो जो टीवी चैनल 192 सीट दे रहे थे BJP को 192 सीट वेस्ट बंगाल में 2021 में नतीजे आए तो मात्र 77 सीट। हिमाचल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली थी 40 सीट और BJP को मिली थी 25 सीट। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें एक ने दिया था BJP को 41, दूसरे ने दिया था 39, तीसरे ने दिया था 40, चौथे ने दिया था 32, पांचवे ने दिया था 33 और छठवें ने दिया था 34 और आई कितनी 25। तो ये कहाँ तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल ये?